रिपोर्ट। बड़वानी जिले के पलसुद में सराफा व्यापारी के यहाँ लाखों रुपए की चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दर्शन सिंह और मंगल सिंह सिकली कर निवासी उंडी खोदरी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें दोनों आरोपियों ने राजेंद्र गोले के घर के दरवाजे का नकुचा तोड़कर घर के अंदर घुसे और अलमारी तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी 50,000 रुपये चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के आभूषण सहित नकदी जब्त की। इस पूरे मामले का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भुटिया ने प्रेस वार्ता में किया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। नकबजनी की केस हुई थी पलसुद में स्थित एक घर में, और उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और कल हमको इसमें बड़ी सफलता मिली। उसमें जो उंदी खोदरी करके गांव है, वहां से दो लोगों का सूचना आई थी कि ये दोनों पहले भी रेडार में थे, संदिग्ध थे, लेकिन कल जब इनके यहां पे दबिश दी गई तो ये दोनों पकड़े गए और इनके यहां से काफ़ी सारी मात्रा में जो चोरी के जेवर गए थे वो उनकी रिकवरी हुई है। कुल रिकवरी हमारी टोटल 4.5 लाख की है, जिनमें 50,000 कैश है और 4 लाख की जेवरात है। और अभी जाँच अभी जारी है, होपफुली जो विगत के दिनों में जो चोरियां हुई है उनकी भी खुलासा होंगे और इनके साथ में जो लगे हुए लोग हैं उनकी भी पतासाजी और पूछताछ में प्रयास करेंगे कि उनका भी नाम सामने आए। और फिलहाल ये अच्छा सक्सेस स्टोरी है पुलसुद पुलिस के द्वारा, और इनके जो थाना प्रभारी और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है उनको प्रॉपरली